झारखंड के खाते से डीवीसी के लिए नहीं काटे गए 1100 करोड़ रुपए। झारखंड सरकार के खाते से 11 सितंबर तक काटे जाने थे रुपए। नीति आयोग की बैठक में झारखंड सरकार ने जताया था ऐतराज। जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी झारखंड ने ये मुद्दा उठाया था। तो डीवीसी के लिए नहीं काटे गए 1100 करोड़ रुपए, जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड ने ये मुद्दा उठाया था। और साथ में आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने बिना सूचित किए हुए काटे गए पैसे को लेकर के ऐतराज भी जताया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो झारखंड सरकार ने जो मुद्दा उठाया और झारखंड सरकार ने कहा कि बिना सूचित किए हुए जो पैसे डीवीसी ने काटे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो फैसला जो उन्होंने किया था और जब ये मुद्दा उठाया गया, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि अब 1100 करोड़ रुपए नहीं काटे गए डीवीसी की तरफ से। देखिए, जो डीवीसी का जो मामला है, कहीं ना कहीं लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में नोकझोंक होती रही है, लेकिन इस बार नीति आयोग की जो बैठक हुई थी अमन, तो उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार से अपील की थी कि अभी कोरोना का संक्रमण का दौर है और ऐसे समय में आरबीआई से पैसे नहीं काटे जाएं, क्योंकि विपरीत परिस्थिति है। लेकिन अब तक जो है, देखिए, 2842 करोड़ रुपए जो हैं आरबीआई के खाते से केंद्र सरकार ने पहले ही निकाल चुकी है, और अब डीवीसी ये भी कह रही है कि 2700 करोड़ रुपए का बकाया अभी भी है, और 21 सितंबर का एक डेडलाइन था कि इस दिन आरबीआई के खाते से केंद्र सरकार जो है पैसा निकाल सकती है। लेकिन जिस तरह से अभी लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, वहाँ बादल पत्र लेख गए थे और वहाँ भी उन्होंने अपील की थी कि अभी जो है, जो डीवीसी का जो मामला है, जो बकाए का मामला है, उसे अभी नहीं काटा जाए, क्योंकि एक विपरीत परिस्थिति है। जिस तरह से झारखंड में कोरोना के दरमियान काफ़ी परेशानी हुई थी, राज्य सरकार लगातार तमाम चीज़ों में पैसे खर्च की थी, तो ये उन्होंने अपील की थी जीएसटी काउंसिल में बादल पत्रलेख ने, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में भी ये मांग रखी थी। तो हमें लगता है कि अब सितंबर का महीना समाप्त हो रहा है, तो हो सकता है कि 1100 करोड़ रुपए जो है वो दिसंबर माह में काटे जा सकते हैं, लेकिन अभी राज्य सरकार वेट एंड वॉच में है। लेकिन ये मामला काफ़ी गंभीर रहा है। देखिए, इसके पहले भी जब पैसे आरबीआई के खाते से काटे गए थे, और वो पैसे बिना राज्य सरकार की सहमति के ही पैसे काटे गए थे, तो उसमें काफी बवाल भी हुआ था, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की नोकझोंक भी हुई थी, और वित्त मंत्री ने भी ये जरूर कटाक्ष किया था कि इस तरह से पैसे नहीं काटे जाने चाहिए था। तो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार के बीच में इस मामले को लेकर काफी तनातनी भी हुई थी। लेकिन जब पैसे काटे जाने की बात होती है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री हो, राज्य के जो तमाम मंत्री हैं, इन लोगों ने विरोध किया है, और अब नीति आयोग और जीएसटी काउंसिल में बैठक के दरमियान बादल पत्रलेख ने भी अपील की है, तो हमें लगता है कि उसका असर केंद्र सरकार पर पड़ा है। और अभी आने वाले समय में जो है, जो 1100 करोड़ रुपए काटे जाने की जो बात है, तो वो अभी हमें लगता है कि रुक गया है, और अब देखना ये होगा कि दिसंबर में हो सकता है कि पैसे काटे जा सकते हैं, लेकिन अभी वेट एंड वॉच में राज्य सरकार है। लेकिन अभी देखिए, 30 अगस्त का दिन जो है, अब 62 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने डीवीसी के खाते में डाले हैं, तो राज्य सरकार के पास पैसे जैसे जैसे हो रहे हैं अमन, तो वो जो बकाया है उसका भुगतान भी राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन चुपचाप से पैसे काटे जाने से राज्य सरकार कहीं ना कहीं लगातार असहमति भी जताई है कि इस तरह की जो नीति है, वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच के जो संबंध होते हैं, वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हैं। तो झारखंड भी भारत का ही एक राज्य है, तो तमाम चीजें अब बेहतर तरीके से हो, सहमति से हो। जी बिल्कुल, सहमति से हो, और जो पैसे डीवीसी की तरफ से विदाउट सूचित किए हुए जो काटे गए थे, कहीं ना कहीं झारखंड सरकार इससे परेशान थी। तो अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीवीसी जो है अब
झारखंड के खाते से अभी तक पैसे नहीं काटे हैं, 1100 करोड़ की बात हुई थी। झारखंड सरकार के खाते से 11 सितंबर तक पैसे काटे जाने थे और नीति आयोग की बैठक में झारखंड सरकार ने इस पर ऐतराज भी जताया था। तो झारखंड सरकार के खाते से 11 सितंबर तक काटे जाने थे 1100 करोड़ रुपए, लेकिन अभी तक नहीं काटे गए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।